अब बैठो। ये बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मैंने स्पेशली ना आज के दिन के लिए बनवाया। हाँ अच्छा है। रियली? तुम्हें पता है मैंने सिर्फ टेस्ट किया था, अब मैं इसे परमानेंट कर दूंगी। वो परेशानी का मौका था ना, तो उस हिसाब से तैयार हुई हूँ। अच्छा परेशान लग तो नहीं रही हो तो? ओह थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तुम कितना नोट करते हो ना मेरी स्किन को, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरी बात सुनो फरियाल, फजूल बातें मत करो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अरे ठहरो तो सही, अब सेरेमनी तो हो जाने दो। कौन सी सेरेमनी? लोग अपने पैसे, इमारतें, ये सब डोनेट करते हैं और मैं अपना प्यार डोनेट कर रही हूँ। कितनी अजीम हूं ना मैं। फरियाल तुम मुझसे क्या फजूल बातें कर रही हो, मेरी शादी और तुम। मैंने क्या सोचा था कि हमारी शादी होगी और मैं तुम्हें रोज नाश्ता बना के दूंगी। अब इधर आओ। ये देखो। मेरी बात सुनो फरियाद, मुझसे ये फजूल बातें मत करो, मैंने तुम्हारे पापा को साफ साफ सब कुछ बता दिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन ब्रेकअप का केक तो काटे जाओ। ठीक है बैठो। तुम्हें पता है इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया है? इसका मेरी शादी का नहीं, अब हमारी शादी का। क्या फजूल बातें कर रही हो फरियाल, हटो मेरी चाबी का। Thank you.
बहुत हसीन है तुम्हारी दुल्हन। दुल्हन कहाँ की दुल्हन, रोमियो सिर्फ जूलियट का है। वाओ, कितनी अच्छी जोड़ी है ये। हीर अपने नाम की वजह से खुद को मोहब्बत की होलसेल डीलर समझती है। हेलो पापा, मुझे अपना नाम पसंद नहीं है। ठीक है, वो मेरी दादी का नाम था, लेकिन मैं इतनी बूढ़ी नहीं। मैंने अपना नाम तब्दील करवाना है, इश्तिहार दे दे। फरियाल पाशा ने अपना नाम तब्दील करके जूलियट रख ली है। आइंदा इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। बाय पापा। सीन का साइन तो आ रहा है। रोमी ने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? शादी से पहले शौहरों की तरह बिहेव कर रहा है ना। नहीं, अभी खुद पूछती से। तस्वीर देखते ही फोन ऑफ कर दिया। कोई नहीं मेरी। क्या हो गया नजर? हकीम साहब नजर फिर नाराज हो गया, जरा देखे ना उसे। क्या हुआ? बूटों वालों से यारियां लगानी हो ना तो दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं। दामाद ऊंचे लेवल का लाना था तो घर में एक बाथरूम लगाना जरूरी था। कब से बारी के इंतजार में बैठा हूं, मेरा नंबर आया तो अफलातून अंदर घुस गया। अफलातून! सोनी तू तैयार नहीं हुई, अभी तक कैसे खड़ी है? चल लेट कर लेगी, जल्दी जा, कुछ भी पहन ले। कुछ भी पहन लूं? मैंने नहीं पहनना कोई पुराना सूट, मुझे वही वाला सूट चाहिए। फोन कर तू, अभी फोन कर। नजर भाई जल्दी निकले ना, मिट्टी लग रही है। फोन कर, मैंने बोला है ना। दर्जी की दुकान बंद है? अगर दुकान बंद है ताला लगा है। सॉरी बाजी, वो दर्जी की दुकान बंद है।
सूट लेकर दर्जी भाग गया ना, सूट को सोना लगा हुआ था जो वो भगा के ले गया। तो काम पहले क्यों नहीं करता? मेरी बहन की शादी, इतने अरमानों से मैंने अपना सूट सिलवाया था। मैं नहीं जा रही शादी में, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं करूंगी। हजा प्यार नाली ना सही, उसे नाल देख लिया कर, यही बीमार नु शिफा मिल जांदी है। हजा प्यार नाली ना सही। जेदी तौबा तौबा। जेदी गाना तो अपनी जुबान में गाया कर, मुझे पता तो चले तू गाना गा रहा है, मुझे लग रहा था तू रो रहा है। या मैं रो ही रहा हूँ। तो सीधी तरह रो ना, अरबी में क्यों रो रहा है? पहले जमाने में बंदा खुद रोता था, अब रोने के लिए सिंगर आते हैं। सीधे को या उम्मी, हर किसी की शादी हो रही है सिवाय मेरे। मेरा बच्चा ना रो, तेरी ना मैं ऊंची जगह शादी कराऊंगी। हैं? ऊंची जगह? मेरी शादी क्या माउंट एवरेस्ट में होगी? या उम्मी, हमारे घर में क्या वंजली है? ऐसे ही बजाने को दिल चाह रहा है। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि तेरे कौन के पीछे बजाऊं। छोड़ दे ये आशकियां। अच्छा सूट इधर है, वो कमीना किधर है जो बाइक लेकर गया है तेरा दोस्त? कमाल हो गया, वाह, आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, वो निकम्मा बाइक लेकर किधर गया है? अच्छा अब यही फिरेगा या हीर को लेकर शादी हाल भी जाएगा? तो भाई बहन आ गई है बाहर, वो जो जो तैयार है उनको हॉल के लिए बिठा दो बैंड में। आ बेटा आ जा, आ जा, चले आप लोग। मेरा खुस्सा किधर है? नजर भाई जो आप पहने हुए हैं, ये आपका खुस्सा है? वो तो है, लेकिन ये पीछे से लगता है। सामने से आप नजर आ रहे हैं ना नजर भाई, इसलिए पीछे से लगता है। टिचकरे कर रहा है और वो भी नजर बेटे को। चल तेल लगा इसको, फिर नहीं लगेगा। चल देख क्या रहा है, ले जा। मेरी तरफ क्या देख रहा है? ये तेरी इज्जत हो रही है, तुझे खुशा दिखा रहा है। चल जल्दी कर, चल तेल लगा, जाओ इधर क्या देख रहा है। चल जल्दी तैयार हो जाओ, उसको भी कहो सोनी को तैयार हो जाओ, बारात आने वाली हो। अम्मा जी ये जूती तो पैर को इस तरह काटती है जैसे कुत्ते की खाल की बनी हुई है। चीज लेके देंगे तो यही होगा ना? अरे तो कोई और जूती पहन ले, किसी हकीम ने कहा है कि खुस्सा पहनना जरूरी है। हाँ जी, हकीम लुकमान ने कहा है। बेटा आज गुजारा कर, कल मैं तुझे असली तिल्ले वाला खुस्सा लेकर दूंगा। तो बस फिर हकीम साहब, आज आपका ही खुस्सा पहन के गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा सुन, वो खाला सुगरा की बेटी की शादी की तरह मत करना, दूध पिलाए के लिए दूध ही भूल गए, किसी बच्चे के फीडर में से निकालना पड़ा। चल जा जल्दी से, जल्दी से। वो मैं समझा सास जी ने मेरे लिए बनाया, बड़ा मजेदार था। अल्लाह।
चलो चलो जल्दी करो देर हो। चल छोड़ रास्ते में ले लेंगे, चल अभी देर हो जाएगी, बारात हमसे पहले ना पहुंच जाए। चल आ जा, तू वो कर ताले लगा, अब चोरी कराएगा इस घर में, जल्दी कर दरवाजे बंद करके जल्दी आ, ताले लगा। ये क्या, तुम मुझे लेने के लिए बाइक लेकर आए हो? गाड़ी लेकर आनी थी ना। हाँ वो भाजी दोस्त से गाड़ी मांगी थी पर उसने दी नहीं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुम और तुम्हारे दोस्त, बाइक पर मेरा सारा मेकअप और बाल खराब हो जाएंगे, मैं पैदल जाऊंगी क्या? नहीं भाजी, दुल्हन बनकर रोड पर पैदल चलती भी आप अच्छी लगेंगी। नहीं, मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगा। पैदल नहीं जा रही हूँ मैं, पागल रिक्शा लेकर आओ। पर रिक्शे में मेरी बाइक कैसे जाएगी? रिक्शे में बाइक को नहीं बिठाने, रिक्शे में मैं बैठूंगी, तुम आगे आगे चलना बाइक पे। मैरिज वाले शादी हॉल जाने के कितने पैसे लोगे? अरे ज्यादा ही कम करो। अभी भाई मैंने बताया नहीं और आप कह रहे हैं कम करो। भाई मुझे पता है ना तुम ज्यादा बताओगे। हाँ 300 से ज्यादा एक रुपया नहीं दूंगा। मुबारक हो, मुबारक हो। ये तो इधर जा रहे हैं यार, आप इधर किधर जा रहे हैं? ये हाल नंबर एक इस तरफ है, आ जाए आ जाए। लेकिन हमें तो हाल नंबर दो का कहा था लड़की वालों ने। जी जी, ये कौन है? अरे अब्बा, ये किसी और की बारात है। सोनी, इनसे हार वापस लो। हमारे साथ आपने गलत बंदे को हार बना, हमारे हार वापस करो भाई। इधर जाओ, उधर जाओ, चलो उधर चलो। लोग ऐसे ही दूल्हा की तारीफ कर रहे थे, उसका तो इतना बुरा सेहरा था। सेहरा तो मैंने बनवाया था अपनी शादी, इतना बड़ा सेहरा था मेरा, इसीलिए तो स्टेज पे चढ़ते चढ़ते गिर गए थे। अबे 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 अबे, अबे, अबे काम उड़ गया ये। ऐसी की तैसी कर देंगे यार। रुक रुक भाई, रुक 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 भाई, इधर का मुड़ गया शादी वाला उधर है। अरे भाई मुझे जिधर सवारी बोलेगी मैं उधर ही जाऊंगा ना सर। अरे भाई एक्सरसाइज क्यों करवा रहा है भाई, मैंने कहा था मेरे पीछे पीछे आना, बिल्कुल यहाँ मोड़ लिया तुमने यार। अरे भाई मुझे इन्होंने बोला, मैं इसलिए आपके पीछे नहीं आया भाई। हीरबाजी आपको तो रास्ता पता था ना, यहाँ क्यों मुड़वा लिया आपने यार? हीरबाजी भूल ही नहीं है। अंदर क्या देख रहा है? सॉरी अंकल, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, सॉरी अंकल। ओ भाई भाई, ये तो सुना था कि रिक्शे एक जैसे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था सारे रिक्शे वाले भी एक जैसे लगेंगे। ना मेहरम होकर रिक्शे के अंदर पांजा करता है। नहीं अंकल, सॉरी अंकल, लाहौल ला वला सॉरी खैर तू, सॉरी अंकल, सॉरी 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 अंकल, ठीक है कारी साहब। अबे बैठ बैठ, ये फिर हकीम साहब का फोन है, क्या बताऊं इन्हें। रोमियो के दोस्तों को भी कुछ पता नहीं है, मैंने एलिफेंट को भेजा था उसके पीछे, कुछ पता करके बताया, उसने कुछ कहा ही नहीं। अब कर रहे। हेलो, हाय एलिफेंट, हाँ क्या ओके ओके, क्या कहा उसने? वो कह रहे कि रोमियो की गाड़ी पार्लर के बाहर खड़ी है, लेकिन पार्लर वाले कह रहे हैं वो अंदर गया ही नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए।